हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की। आज हम श्री चैतन्य भागवतम के मध्य खंड के 19वें अध्याय से श्रवण करेंगे, जिसमें अद्वैत आचार्य के यहाँ अद्वैत आचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु ने जो लीला की थी उसके बारे में वर्णन करेंगे। यहाँ पे कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से एक बार नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर गए और एक आश्रम में पहुंचे। वहां पे चैतन्य महापुरुष ने नित्यानंद प्रभु से पूछा, ये आश्रम किसका है, यहाँ कौन रहता है? तो वहां पे एक सन्यासी रहता था, नित्यानंद प्रभु ने बताया। और उसके बाद वे जाके सन्यासी से मिले और सन्यासी से उनका वार्तालाप हुआ। उसमें भक्ति के ऊपर वार्तालाप हुआ। सन्यासी ने उनको सुख समृद्धि का आश्वासन दिया।
लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने एक्सप्लेन किया कि बिना भगवान की भक्ति के सुख समृद्धि का कोई मीनिंग नहीं है। उन्होंने उस सन्यासी ने चैतन्य महाप्रभु को आशीर्वाद दिया, आपको धन मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छी पत्नी मिले और शिक्षा मिले। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय उससे उनसे कहा कि ये आशीर्वाद नहीं है, आप मेरे को ये आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कृष्ण की कृपा मिले। और जो विष्णु की भक्ति का जो आशीर्वाद है ये कभी नहीं खत्म होने वाला है, इसका कभी विनाश नहीं होता। जो आपने आशीर्वाद दिया है गोसाई, वो आपके योग्य नहीं। एक सन्यासी को ऐसा आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, सुख समृद्धि, घर परिवार, धनवान पत्नी, ये सब नहीं। सन्यासी ने कहा, मैंने जो कुछ पहले सुना था अभी मुझे लग रहा है कि वो ये कि अगर किसी को अच्छी एडवाइस दी जाती है तो लोग आपको डंडा मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं। तुम ब्राह्मण पुत्र का ऐसा ही व्यवहार है। मैंने तुमको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक धन प्राप्त करने का वास्तव दिया, आपने उसकी प्रशंसा करने के बजाय मेरे में दोष निकाल रहे। मैंने ऐसे बोला, ब्राह्मण पुत्र सुनिए, आप मेरे को इस वरदान के लिए मेरी क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं? ये कल हमने कल यहाँ तक श्रवण किया था, आज इसके आगे का श्रवण करेंगे। पृथ्वी ते जन्मिया जाना कैला विलास, उत्तम कामिनी जार ना रहिला पास, जार धन नहि तार जीवन की काज, है न धन वरे दिते पाओ तुम इलाज। सन्यासी बोलता है, अगर किसी ने इस संसार में जन्म लिया है और इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है और सुंदर स्त्रियों का भोग नहीं करता है और धन इकट्ठा नहीं करता है, देन उसकी लाइफ का यूज क्या है? और मैं आपको ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं तो आप संकोच कर रहे हैं लेने के, एम्बेरस, आप संकोच कर रहे हैं ऐसा आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ पे भक्ति से सब जी ठाकुर बोलते हैं कि भौतिक वर्ग में आने के बाद अगर व्यक्ति स्त्रियों का संग नहीं करता है तो इसके लाइफ का उपयोग क्या है? अगर किसी ने धन एकत्र नहीं किया तो वाइफ को उसका जीवन का उपयोग क्या है? मैंने तो ये तो चीज दिया है और आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे, ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज है। इस प्रकार से तो इस भौतिक संसार में प्रोग्रेस नहीं किया जा सकता। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति भक्ति करके अपना पेट कैसे भर सकता। हाई लवा विष्णु भक्ति तुम्हार शरीरे, धन बिना की खाली खाइबा तहा कहा मोरे। मुझे बताइए, अगर आपके पास विष्णु की भक्ति भी है तो आप क्या खाएंगे अगर आपके पास धन नहीं है तो? हसे प्रभु सन्यासी रे वचन सुनिया, श्री हस्ते देनी नानी जय कपाल तुली। सन्यासी के शब्द सुन के भगवान चैतन्य महाप्रभु स्माइल करने लगे और अपना मस्तक पे अपना हाथ लगाया सर, कि कैसा मूर्ख फुलिश आर्गुमेंट कर रहा है। हाय हाय क्या हो गया इसको, व्यापदेशे महाप्रभु सवार सिखाए, भक्ति बिना के हजे न किछु ही ना चाहे।
इस एक्शन के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा महाप्रभु सबको सिखाना चाह रहे हैं कि भक्ति के अलावा किसी और चीज को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने लीला में महाप्रभु ने क्लियरली बताया है भक्ति के महत्व और दूसरी चीजों का इनसिग्निफिकेंस। इस प्रकार से सबको बताया कि व्यक्ति को किसी और चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इन द कोर्स ऑफ टीचिंग, इसी शिक्षा में उन्होंने भौतिक जगत को एंजॉय करने की इच्छा करने की शिक्षा दी। सुन सुन सन्यासी गोसाई जे खाई बा निज कर्मे जे अच्छे से आपने मिली बा। सुनिए ओ सन्यासी गोसाई, सुनिए हम वही खाएंगे जो हमें भाग्य में मिलेगा। जो दारी सन्यासी है, जब उसने पुरुषों पूछा कि आप अगर भक्ति करें तो खाओगे क्या बिना धन के, महाप्रभु कहते हैं सारे जीव जो है को अवसर मिलता है जो अपेक्षा नहीं करते वो भी भोजन मिलता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। भोजन अवश्य आएगा, जरूर आएगा। जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, ऑटोमेटिकली उसके उसको माता का दूध मिलता है बिना किसी प्रयास के। धन वंश निमित्त संसार कामया करे, बोलो तार धन वंश तबे के नमारे। अगर धन और परिवार ही अगर जीवन का लक्ष्य है तो मुझे ये बताइए कि वो फिर भगवान क्यों छीन लेता है मृत्यु के समय। तो उनकी तो इच्छा होती है पर वो क्यों उनसे फोर्स करके वो चीज छीन ली जाती है। जी मेरे लागिया के हैं कामना ना करे तबे के न ज्वर आसी पीड़ा है शरीर। कोई भी व्यक्ति ज्वर नहीं चाहता, तब फीवर या ज्वर क्यों आ जाता है और व्यक्ति को क्यों कष्ट देता है। अगर केवल आशीर्वाद की इच्छा करके व्यक्ति अगर फल पा लेता है तो फिर फीवर क्यों आता है और व्यक्ति को कष्ट क्यों देता है। बिना प्रार्थना के कई बार कई को कई वस्तु मिल जाती है और कई बार इतनी प्रेयर करने के बाद भी कोई वस्तु नहीं मिलती। इससे इच्छा करने से क्या होता, इच्छा करने से क्या होता। सुन आगे बोला गया है, इसी में आगे बोला जा रहा है वेदे बुझाए स्वर्ग बोले जाना 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 मूर्ख प्रति केवल से वेदे रह करुण। कई पीपल क्लेम करते हैं के वेदों में लिखा है कि स्वर्ग की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है,
ऐसी शिक्षाएं केवल वेदों की करुणा है, मूर्ख जीवों पर केवल वेदों की करुणा ऐसी शिक्षा। अपने कर्म के प्रति व्यक्ति के कर्म से उसके जो फल की प्राप्ति होती है, ये भी सुना गया है कि पायस एक्टिविटी के प्रभाव से व्यक्ति स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो लोग ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, भौतिकतावादी होते हैं, अज्ञानता होते हैं, वो उनको वेदों वेदिक इंजंक्शन से वेदिक वेद जो है उनके ऊपर करुणा करते हैं, जिससे उनका रिस्पेक्टिव जो नेचर है, स्वभाव है, वो सब जो चाइल्डिश और फुलिश पीपल होते हैं वो मेटेरियलिस्टिक फ्रूटी एक्टिविटी में अपने आप को आसक्त रखते हैं। हालांकि वेद जीवन का लक्ष्य है ऐसे भौतिकतावादी कार्यों से अपने आप को मुक्त कर, इसलिए वैदिक इंजंक्शन जो होते हैं, वैदिक ज्ञान रहता है, वैदिक शिक्षाएं रहती है, अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। पहले उनको बोलते हैं जो फल वाली क्रियाएं करो, जैसे एक फादर होता है पहले उसके बच्चे को कैंडी बोलता है, देता है, फिर उसके बाद उसको दूध देता है, दूध पीने के लिए कि आप दूध पियो, मेडिसिन या दवाई दवाई पियो, पहले उसको कैंडी चॉकलेट दे दो। इसी प्रकार से वेद जो है, वेदों में पहले कर्म कांड है जिससे कुछ फल मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे मोक्ष की तरफ ले जाता है। इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है, हमेशा सेक्स, मीट ईटिंग और इंटॉक्सिकेशन की तरफ उसका झुकाव रहता है। इसलिए कई जो धार्मिक शास्त्र हैं इसकी तरफ कभी व्यक्ति को नहीं, इनकरेज नहीं करते। हालांकि इसके जो इंजेक्शन शास्त्र हैं वो सेक्स की डिजायर जो उसको फुलफिल करने के लिए मैरिज का प्रावधान करते हैं, और मीट ईटिंग के लिए कुछ बलि देने का प्रावधान करते हैं, और रिचुअल के लिए कुछ मदिरा, कई जगह कई देवताओं को, कई जो तमोगुणी देवता है उनको मदिरा का भाग लगता है अल्टीमेटली। लेकिन हर कोई जो है रेनाउंसिएशन की तरफ ले जाता है। जो लोग भगवान के विमुख हैं वे भौतिक वस्तुओं का नियंत्रक बनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो वैदिक लिटरेचर है व्यक्ति को कई बार इनकरेजमेंट देते हैं कि जो उनके टेस्ट के अनुकूल हो, लेकिन ये वेदों का असली उद्देश्य नहीं। विषय सुखेते बड़ लोके रह संतोष, चित्त बुझी कहे वेद वेदे रह के दोष। लोग भौतिक भौतिक खुशहाली में, भौतिक सुख में ही आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, और वेद जो होते हैं वैसा उनको डायरेक्शन देते हैं उनके मेंटेलिटी, उनकी मानसिकता को देख के। इसमें वेदों का क्या दोष? धन पुत्र पाई गंगा स्नान, हरि नामे सुनिया चले लोक वेदेरा कारण। वेद डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं कि गंगा में स्नान करने से और
भगवान हरि का नाम चिंतित करने से व्यक्ति धन और पुत्र प्राप्त कर सकता है और लोग इस चीजों में एंगेज हो जाते हैं। ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से, हरि का नाम चिंतित करने से उसको भौतिक धन प्राप्त हो जाएगा और बड़ा परिवार प्राप्त हो जाएगा, इसलिए वेद लोग जो वेद वेद हैं हरि के नाम का गंगा में स्नान का महिमा गाते हैं। इससे क्या होगा, उनका नेचुरल कंटामिनेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो अशुद्धि है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी जागरूकता हो जाएगी, भगवान के प्रति भक्ति के प्रति वो जागरूक हो जाएंगे। ते मते गंगा स्नान हरि नाम कैला द्रवेर प्रभावे भक्ति हई बे कहला। अगर किसी तरीके से कोई व्यक्ति गंगा में स्नान कर लेता है और हरि का नाम चैंटिंग करता है तो इन चीजों के प्रभाव से व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकता है। यही वेद अभिप्राय मूर्ख नहीं बुझे, कृष्ण भक्ति छाड़िया विषय सुखे मज। फुलिश पीपुल होते हैं जो मूर्ख लोग होते हैं, वेदों का उद्देश्य नहीं समझ पाते, इसलिए वे भगवान कृष्ण की भक्ति को त्याग देते हैं और इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को बिजी कर लेते हैं। जो लोग इस प्रकार से जो लोग वेदों का उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं, वो सर्टेनली इट इस भौतिक जगत में इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं और भगवान की सेवा करने का उद्देश्य भूल जाते हैं। भला मंद विचारिया बुझा गोसाई कृष्ण भक्ति व्यतिरिक्त आर भार नाई। तो गोसाई एक गोसाई सन्यासी को चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक गोसाई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, क्या अच्छा और क्या बुरा ये समझने की कोशिश कीजिए। भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं। उन्होंने इस प्रकार से सिद्ध किया कि भगवान की भक्ति से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। सन्यासी रे लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान भक्ति योग कहे वेद करिया प्रमाण। सन्यासी को इस प्रकार से शिक्षा देके भगवान वास्तव में सबको भक्ति का शिक्षा देना चाह रहे हैं, वैदिक प्रमाणों के द्वारा भक्ति की शिक्षा देना चाह रहे हैं। जे कहे चैतन्य चंद्र सही सत्य है, पर निंदा पापी जीव तहा नहीं लय। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जो भी बोलते हैं वो परम सत्य है, जो पापी जीव हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं वो इनके शब्दों को स्वीकार नहीं करते। जो लोग चैतन्य चंद्र के वाक्यों को नहीं समझ पाते हैं जो कि परम सत्य हैं, जो पापी लोग हैं वो दूसरों की निंदा करते हैं और परपेचुअली सारा जीवन अनंत काल तक सिंफुल माइंडेड रहते हैं, पापपूर्ण क्रियाओं वाले रहते हैं और भगवान कृष्ण की डिवोशनल सर्विस को स्वीकार नहीं करते।
आगे कहा गया है, हासया सन्यासीनु हासाय सन्यासी सुनी प्रभुर वचन, ए बुझी पागल द्विज मंत्रेर कारण। इस प्रकार भगवान के शब्दों को सुनकर सन्यासी स्माइल किया और सोचने लगा, ये जो ब्राह्मण है चैतन्य महाप्रभु की तरह देख के सोचा, ब्राह्मण है, क्रेजी हो गया है, पागल हो गया है, मिसगाइड हो गया है। ए ना बुझी एवं सन्यासी बुद्धि दियाल जाए ब्राह्मण कुमार भोलिया। ऐसा लगता है कि जो सन्यासी मतलब नित्यानंद प्रभु की तरफ देख के बोलता है, ये सन्यासी ने इसके ब्राह्मण लड़के का मन को खराब कर दिया, इसको कहीं ले जा रहा है। महापुरुष जो सुन के जो दारी सन्यासी था वो महाप्रभु को क्रेजी बॉय समझने लग गया। नित्यानंद प्रभु को सन्यासी के ड्रेस में सोचा कि ये जो दारी सन्यासी है, नित्यानंद ये जो ब्राह्मण लड़का है, इसको कहीं मिसगाइड करके ले जा रहा। सन्यासी बोले, है ना काल से हैला शिशुर अग्रे ते अमी किच्छु ना जानेला। सन्यासी कहता है, वो टाइम जो मैं सोच रहा था वही टाइम आ गया है कि मैं इस बालक के सामने अज्ञानी हो गया हूँ। आमी करी लामा जे प्रति प्रयत्न अयोध्या मथुरा माया बद्रिक आश्रम। मैंने सब जगह ट्रैवल किया, अयोध्या में किया, मथुरा में किया, हरिद्वार में किया, बद्रिक आश्रम में यात्रा की, गुजरात काशी गया, विजय विजय नगर असीम हला गेला, अमे जाते अच्छे पूरी। मैंने सारे होली प्लेस में गया, गुजरात में गया, काशी में गया, गया में गया, विजयनगर में गया, श्रीलंका में गया। आमी न जानीला भाल मंद है काए, दुख दे रहा छायोला जी आमार सिखाए। लेकिन फिर मैं समझ नहीं पाया, ये बोल रहा है कि मैं समझ नहीं पाया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब ये बालक जो है, जो अभी बालक जो माता का दूध पी रहा है, वो मुझे शिक्षा दे रहा है। वो सन्यासी बोलता है, मैं तो एक एक्सपीरियंस अनुभवी मैच्योर एक्सपर्ट हूँ भौतिक चीजों में, मैंने गुड अच्छी एडवाइस लिया है बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े तीर्थों में गया हूँ, पर ये जो ब्राह्मण बॉय है लड़का है, मेरे अनुभव का कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, और ये अपनी अपनी पोजीशन को नहीं जान पा रहा है। ये सकलिंग चाइल्ड जो है, अभी माता का दूध पी रहा है बच्चा, मेरे को सिखाने आया। मैं तो पूरी तरह जानता हूं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। हासी बोले, नित्यानंद ने सुना है गोसाई शिशु संगे तुम्हारे विचारे कार्य नहीं। नित्यानंद स्माइल करने लगे। नित्यानंद प्रभु सन्यासी के बोलते, इस बच्चे से आर्गुमेंट करने से आपको कोई फायदा नहीं। आमी से जानिए भाल तुम्हारे महिमा, हमारे देखिया तुम्हें सब कर क्षमा। मैं तुम्हारी महिमा जानता हूं, तुम इस बालक के सारे अपराधों को क्षमा कर दो। ये नित्यानंद प्रभु सन्यासी से बोलते। नित्यानंद प्रभु ने सन्यासी को रिस्पेक्ट किया, दारी सन्यासी जो, वो सन्यासी जो है भौतिक मटेरियल एंजॉयमेंट से इंटॉक्सिकेटेड था, भौतिक आनंद से नशे में था, उससे उन्होंने क्षमा मांग ली और उसने बोल दिया कि महाप्रभु तो इग्नोरेंट चाइल्ड अज्ञानी बालक है। तो दारी सन्यासी ने वो नित्यानंद प्रभु के ऊपर करुणा दिखाई, चलो ठीक है। आपना रस लागे सुनी सन्यासी संतोषे भिक्षा करी बारे झट बोले हरी। जब सन्यासी ने अपना ग्लोरीफिकेशन अपनी महिमा सुनी तो प्रसन्न हो गया और उनको लंच के लिए इनवाइट किया। नित्यानंद ने बोले, कार्य गौरव चलीबा कि छुदे हा स्नान स्नान करी पहल ते खाईबा। नित्यानंद पर बोलते हैं, हमको तुरंत जाना पड़ेगा किसी इम्पोर्टेंट कार्य के लिए, आप हमें ऐसा कुछ दे दीजिए जिसको हम स्नान करने के बाद रास्ते में ले लेंगे।
सन्यासी बोले, स्नान करे खाई नहीं खाने कि खाई स्निग्ध है कर है गवाने। सन्यासी बोला यहीं पे स्नान कर लीजिए, कुछ खा लीजिए और फिर रिफ्रेश हो जाइए और फिर चले जाइए, फ्रेश हो लीजिए फिर चले जाइए। पाठक की तारी ते दुई प्रभु अवतारे रही लेना दुई प्रभु सन्यासी रे घरे। दोनों प्रभु जो थे पतित लोगों को उद्धार करने लिए आए थे, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया उस सन्यासी के घर में रहने के लिए। जानवीर माझने घुचिला पाठ स्टम फलाहारे करी ते वसीला दुई जन। अपनी यात्रा से कुछ विश्राम पाके दोनों ने स्नान किया गंगा में जाके, ये दोनों प्रभु आए कुछ फ्रूट खाए उन्होंने फल खाए। दुग्ध अमर पान शादी करी कृष्णा सा शेषे खाए दुई प्रभु सन्यासी साक्षात। पहले उसने दूध और कुछ मैंगो आम दिए, फिर जैक फ्रूट दिए भगवान को, और फिर सन्यासी के सामने वो सारी चीजें ग्रहण करने लगे। वामपथी सन्यासी मदिरा पान करे नित्यानंद प्रतीता कहे थारे थोरे। वो पापी सन्यासी था, उसने फिर वाइन ड्रिंक किया, शराब पी, और नित्यानंद प्रभु को वो कुछ ऑफर करते हुए बोला वो सन्यासी। तो जो दारी सन्यासी था वो ऐसा रास्ता स्वीकार कर रहा था जो सन्यास के विपरीत था। वो वाइन ड्रिंक करने के शराब पीने के लिए प्रति बहुत आसक्त था। उसने नित्यानंद प्रभु को भी बोला, इशारा किया, और उन्होंने बार बार उसके इशारे पर इशारा किया। तो यहाँ पे लिखा वामपथी मतलब वामाचारी, जो वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध होता है। ये वामाचारी की ड्यूटी होती है वाइन ड्रिंक करना, शराब पीना, मीट मांसाहार करना, फिश खाना, सेक्स एंजॉय करना, स्त्रियों का संग करना, दूसरी स्त्रियों की पूजा करना। और शराब और दूसरी चीजों का सेवन करना। इस प्रकार से ये सब के सन्यासी करता है। सुना श्रीपाद किच्छु आनंद अनिबा तुम्हा है ना तिथि वा कोथा है पाईबा। उसके बाद उसने पूछा सन्यास दोनों से, श्रीपाद क्या मैं आपके लिए कुछ आनंद लाऊं, मुझे आपके जैसे गेस्ट कहाँ मिलेंगे। देशांतर फिरी नित्यानंद सबे जाने मध्य पा सन्यासी है न जाने लेना माने। क्योंकि चूंकि नित्यानंद प्रभु ने सारे जगहों का भ्रमण किया है, वो समझ गए कि ये जो सन्यासी है वे ड्रंकर्ड है, ड्रंक करने की अवस्था में आ गया। आनंद आनी बन्यासी बोले बार बार नित्यानंद बोले तबे लाड़ से अमा। सन्यासी ने उनसे बार बार पूछा कुछ आनंद लाऊं क्या। नित्यानंद बोला अब हमें चलना चाहिए। देखिया दोनों हर रूप मदन समान सना सिरे पत्ती चाहे जुड़ी अध्याय ध्यान। दोनों के कामदेव के समान चरित्र को देखे, सन्यासी की वाइफ जो है, सन्यासी की जो पत्नी है, उनको पूरी कंसंट्रेशन से देखने लगी। सन्यासी रे निषेध करे तार नारी
भोजन है ते केने तुम्हें विरोध आचारी। उसने अपने हस्बैंड से बोला, तुम उनका भोजन क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, उनको क्यों शराब ऑफर कर रहे हो। तो वास्तव में जो जिन्होंने विवाह नहीं किया है वही सन्यासी के लिए उपयुक्त होते हैं या भिक्षु के लिए। प्रभु बोले कि आनंद, बोले सन्यासी नित्यानंद ने, बोले मदिरा है निवासी। भगवान ने पूछा किस आनंद की बात कर रहा है ये सन्यासी। नित्यानंद बोल रहा है ये हमको वाइन शराब देने का ऑफर कर, शराब देने का बोल रहा। विष्णु विष्णु स्मरण है करे विशंभर आचमन, करी प्रभु चलिला सत्व। विशंभर ने उसी समय विष्णु को याद किया और अपने हाथ धोया, तुरंत चले। महापुरुष समझ गए कि ये चीटिंग जो पापी पर्सन है, ये सन्यासी का टाइटल ले लिया उसने, ये हमें शराब पीने के लिए विवश कर रहा है। उसने तुरंत भगवान विष्णु को याद किया, अपना भोजन छोड़ा, हाथ धो के और चेंट करने लगे, अमृत अमृता अमृता पिदानम असी स्वाहा। और इस प्रकार से दोनों भगवान जाके गंगा में जंप कर दिए, गंगा में स्नान करने चले गए। इस सन्यासी से मिलने के बाद गंगा में स्नान करने चले गए। दुई प्रभु चंचल गंगा या झापना दिया चलीला आचार्य ग्रहे गंगा गंगा ये भाष्य। इसके बाद दोनों जो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु है, गंगा में स्नान करने के बाद दोनों चंचल भगवान जो है गंगा में तैरते तैरते अद्वैत आचार्य के घर चले गए। शिव शांतिपुर में गंगा के उस पार था। मदिया पारे प्रभु अनुग्रह करे निंदक वेदांत यदि तथापि समारे। भगवान ने उस स्त्री संगी और शराब पीने वाले के ऊपर दया करते हैं भगवान, लेकिन वो उन दुष्टों का विनाश कर देते हैं जो भक्तों की निंदा करते हैं। इस प्रकार से भगवान कार्य करते हैं। आगे बताया गया साधारण लोग होते हैं जो इंटॉक्सिकेट होते हैं भौतिक आनंद से, भौतिक सुख से इंटॉक्सिकेट होते हैं, और जो ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं इंपर्सनलिस्ट को, ड्रंकर्ड और वुमेनाइजर की बजाय जो पीने वाले हैं और स्त्री संगी उनकी बजाय जो मायावादी को ज्यादा ध्यान देते हैं, और भगवान जो है इनकी बजाय मायावादी की बजाय ऐसे जो ड्रंकर्ड और भौतिक आनंद में डूबे उनके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन को देख के। तो वो कमजोर लोगों को और स्त्री संगी को ज्यादा कृपा करते हैं बजाय मायावादियों की। नासी है यह मध्य पिया श्री छंगे आचार तथापि ठाकुर गेला ताहर मंदिर। अरे के सन्यासी ने शराब पिया था और स्त्री संग किया था, फिर भी भगवान ने इसके घर पे गए थे। ऐसे लोग पुण्यवान नहीं होते, ऐसे लोग घर में कोई नहीं जाता, लेकिन गौर नित्याय अपनी कृपा देने के लिए इनके पास गए थे। किस लिए गए थे, इस बताने के लिए कि मायावादियों का संघ जो सबसे घृणित है और अनडिजायरेबल है, नहीं करना चाहिए। ड्रंकर्ड का जो शराब पीने वाले एक बार उनका संघ करके वो छोड़ा जा सकता है, लेकिन मायावादियों का नहीं।
मायावती के संग और भी बुरा है। जो ड्रंकर्ड होते हैं, जो पीने वाले होते हैं, खाली पाप करते हैं, पर मायावादी जो है भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं, उनके भक्तों के प्रति ईर्ष्या करते हैं, इसलिए वो बड़े पापी हैं। जो पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, पर जो मायावाद है ये नहीं खत्म होने वाला पाप है, और ये स्पिरिचुअल सुसाइड के समान है। इसके कारण व्यक्ति अपनी असली पहचान को कभी असली पहचान को कभी स्वीकार नहीं करता और झूठी पहचान छोड़ नहीं पाता। ऐसे अपराध के कारण सौभाग्य चला जाता है, नष्ट हो जाता है जीव का। जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तो सिंफुल जो पाप पुण्य क्रिया है वो खत्म हो जाती है। तो जो ऑफेंस का परिणाम है वो ज्यादा अशुभ है बजाय पाप के। वाक्य वाक्य कलीला प्रभु सिखाले धर्म, विश्राम करिया कैले भोजन हेरा कर्म। बातचीत में भगवान ने उस सन्यासी को कई धार्मिक सिद्धांत बताए और उसके घर में कुछ देर रुके और उसके बाद में भोजन भी लिया। ना है जन्मे भाल हाई बार जन्मे सबे निंद केरे नाही वासे भाले मर्मे। हालांकि सन्यासी वो सन्यासी इस जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया, और फिर भी दूसरे जन्म में उसको पूर्णता मिल जाएगी, पर जो निंदक होते हैं वो कभी भी जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। देखा नहीं पाए अत अभक्त सन्यासी, तार साक्षी जाते के सन्यासी काशी वासी। इसलिए जो अभक्त सन्यासी होते कभी भगवान को देख नहीं सकते, जो काशी के सन्यासी है इसका उदाहरण है। शेष खंड जाखाने चलीला प्रभु काशी, सुनी लेना काशीवासी जाते के सन्यासी। जैसा अंत्य खंड में बताया जाएगा, भगवान इसके काशी गए थे और वहां पे भी उन्होंने, वहां के सन्यासी ने उनका आगमन सुना था जब काशी गए थे। सुनी आनंद हैला सन्यासी रे गण, देखी वा चैतन्य बड़ा सुनी महाजन। वहां के सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए थे कि जो है कि अब हम चैतन्य महाप्रभु को देखेंगे, बहुत नाम सुना है चैतन्य महाप्रभु का। हालांकि वहां के काशी के सन्यासी सब मायावादी थे, सभी वेदांती ज्ञानी सभी तपस्वी। आज आजन में काशी ते वास सभी यशस्वी। वे सारे वेदांत फिलॉसफी पूरी जानते थे काशी के वास, और तपस्या भी करते थे। सारे जीवन काशी के में रहे और वहां पे बहुत प्रसिद्ध हुए। एक दोष सकल गुनेरा गेला शक्ति, पाद या वेदांत ना व्याख्यान है विष्णु भक्ति। उनमें जो सारी अच्छी क्वालिटी थी वो एक दोष था जिसके कारण सारी अच्छी क्वालिटी खत्म हो रही थी। वो था कि वो वेदांत पढ़ाते थे पर विष्णु की भक्ति जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन कभी नहीं किया, विष्णु की भक्ति कभी नहीं। तो जो भगवान विष्णु की भक्ति के प्रति जिनका झुकाव रहता है वो इम्पर्सनलिज्म जो मायावाद है इसकी इसके दर्शन को इसकी फिलॉसफी को निगेट करते हैं। वो वेदांत के प्योर फॉलोअर हैं। जो मायावादी हैं वो वेदांत के अधूरे फॉलोअर हैं, अधूरे अन्यायी। जो मायावादी होते हैं वो भगवान की
माया को, शक्ति को और भगवान को एक लेवल पे मानते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति भगवान के चरणों में अपराधी हो जाते हैं और अपन के भक्तों के चरणों में अपराधी हो जाते हैं। जो सारे अच्छे गुण है वो मायावादी को छोड़ देते हैं और उनकी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को भी विनाश कर देते हैं। अंतर्यामी गौरसिम यहां सब जाने गया हो काशी तेना दिले दर्शन। सिंह के समान गौर है जो सारे जीवों के परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं। हालांकि वो काशी गए, उन्होंने उन सन्यासी को दर्शन नहीं दिया था। रामचंद्र पुरी रहा मठे तुकाई जाना ही नहीं, ना दुई मास वाराणसी गई। सन्यासी में रहते हुए वे रामचंद्रपुरी के आश्रम में छिपे रहे, वहां 2 महीने तक रुके। तो वाराणसी में भगवान चंद्रशेखर के घर में रहे थे। चंद्रशेखर शूद्र थे जाति के और डॉक्टर थे। इसके बाद महाप्रभु सीक्रेटली रामचंद्रपुरी की आश्रम में रुके थे। रामचंद्रपुरी जो है वो भी माधवेंद्रपुरी के हालांकि शिष्य थे, लेकिन अच्छे पूरे पूर्ण शिष्य नहीं थे। वो भी मायावादी की तरफ से कावथान का मायावाद। ऐसा लोगों को लगा कि भगवान रामचंद्रपुरी के आश्रम में रुके, लेकिन भगवान कहीं और रुके थे, किसी कृष्ण के भक्त के यहाँ रुके थे, क्योंकि रामचंद्रपुरी तो मायावादी सन्यासी था। जिससे क्या कि जनरल पब्लिक उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सके। तो हालांकि घोषणा ही की गई कि रामचंद्रपुरी के आश्रम में रहे, लेकिन भगवान रामचंद्रपुरी के आश्रम में नहीं करके किसी कृष्ण भक्त की जगह पर रहे थे। विश्व रूप क्षौरा दी बस दुई आछे लुकिया चलीला देखे के यहाँ पाचे। विक्षरूप शोर के 2 दिन पहले भगवान चुपचाप कहीं चले गए, जिसे किसी को पता नहीं लगे कहाँ गए। विक्षरूप शोर का मतलब है एक दंडी सन्यासी जो रहते हैं वो अपने, जो मायावती सन्यासी वो अपने फुल मुंडे पूर्णिमा के दिन अपने सिर को शेव करते हैं। हर 2 महीने बाद अपने सिर को शेव करते हैं पूर्णिमा के महीने। ये जो चतुर्मास के महीने में 2 महीने के बाद जो ये होता है शेविंग होता है, इसको बोलते हैं विश्वरूप क्षौर। तो नियमों के अनुसार चतुर्मास में शेविंग, हेड का शेविंग करना मना है, पर कईयों ने प्रतिज्ञा की थी कि हेड शेव करेंगे हर 2 महीने। तो यहाँ पे एक स्पेशल होता है एक दंडी सन्यासी के लिए कि जो इन 2 महीने में एक बार, जिस दिन पूर्ण पूर्णिमा फुल होता है वो श्रावण के महीने में आता है या भाद्र के महीने में आता है, ये उस समय शेव कर सकते हैं। इससे उनकी प्रतिज्ञा टूटती नहीं। उसके बाद अगर ऐसा विश्वरूप छोड़ करने के बाद में गुरु की पूजा करना और विश्वरूप जो भागवत गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप वाला उसको उच्चारण करना, ये बताया गया। 13वें दिन जो है जब मून ऊपर चढ़ रहा होता है, महाप्रभु काशी में चुपचाप चले गए, दूसरे लोगों ने देखा नहीं। उन्होंने सबने सोचा कि उस दिन वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु चले गए। सब लोग सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु उनके जैसा ही मायावादी सन्यासी है। जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु चुपचाप चले गए,
विष्णु किशोर के दिन वे निराशा के सागर में डूब गए। पाछे सुनी लेना सब सन्यासी रे गन चली रे न चैतन्य न ही रे दर्शन। सबको बाद में पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु तो जगह छोड़ के चले गए और वो उनको देख नहीं पाएंगे। सर्व बुद्धि हरि लेखा एक निंदा पाप पाछे कहारे चित्ते न जन्मी लेनता। उनकी सारी बुद्धि हर ली गई क्योंकि वह सब जो है निंदा वाला पाप कर रहे थे। आरव बोले अमर सकल पूर्वास रामी अम सब सभ्या ऐसा बिना गिला का नहीं। वो सब बोलने लगे हमारा सबका एक ही वंश है तो बिना हमसे बात करे वो कैसे चले गए चुपचाप। दुई दिन लागी केने स्वधर्म छाड़िया केना गेला विश्व रूप छोर लांगी। उन्होंने अपना रिलीजियस ड्यूटी धार्मिक कार्य क्यों छोड़ दिया 2 दिन पहले विश्व रूप छोर के 2 दिन पहले क्यों छोड़ दिया। भक्ति ही ना हिलाए मत बुद्धि है निंदा कह रहे पूजा सीता कभी ना हिलाए। अगर कोई व्यक्ति भक्ति रहित हो जाता है तो उस प्रकार की मेंटेलिटी उसमें आ जाती है। भगवान शिव भी कभी निंदक व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं करते। जो भक्तों की निंदा करता है ऐसे व्यक्ति की या उनको क्रिटिसाइज करता है ब्लास्फेम करता है ऐसे व्यक्ति की निंदा ऐसे व्यक्ति की पूजा भगवान शिव भी स्वीकार नहीं करते। तो जो जीव होते हैं जिनके अंदर भक्ति नहीं है वो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी क्रियाकलाप करते रहते हैं क्योंकि वो भक्ति की मधुरता को नहीं समझ पाते। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की सदा महत्ता को भक्ति की मधुरता को बताया। तो जो लोग ये नहीं कर पाते केवल वैष्णव निंदा करते रहते हैं जो काशी के भगवान है सदाशिव वो भी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते ऐसे निंदक व्यक्तियों। काशी तेजे परम मिंदे से शिविर दंडे शिव अपराधे विष्णु नाहे तारे बंद। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वो वैष्णव की निंदा करते हैं वो भगवान शिव के द्वारा दंडित होते हैं और जो शिव की निंदा करते हैं वो विष्णु के द्वारा विष्णु का भक्त नहीं बन पाते। सबर करीबा गौर सुंदर उद्धार व्यतिरिक्त वैष्णव ही निंदा के दुराचार। भगवान गौर सुंदर सबका उद्धार कर सकते हैं उन पापियों को छोड़ के जो वैष्णव की निंदा करते हैं। भगवान गौर सुंदर जो है सबका उद्धार कर सकते हैं लेकिन वो पापी मायावादियों को जो वैष्णव की निंदा करते हैं उनका नहीं कर सकते। इसके बजाय उन्होंने एक ड्रंकन एक पीने वाले व्यक्ति का भी हॉस्पिटलिटी स्वीकार कर लिया लेकिन उन्हें मायावादी को जो कि वैष्णव की निंदा करते हैं उनको सौभाग्य नहीं दिया अपना दर्शन नहीं दिया। मध्य पेरा घरे कैला स्नान भोजन निंदा के वेदांति ना पाइले दर्शन। उन्होंने एक ड्रंकर्ड किया स्नान कर लिया और खा भी लिया पर जो ब्लास्फेम वेदांत से उनको दर्शन भी नहीं दिया। चेतन दंड जार चित्त नहीं भाए जन्मे जन्मे सही जीव जम दंड जाए। वो जीव जो चैतन्य महाप्रभु का दंड से भयभीत नहीं होते हैं वो यमराज के अंदर दंडित होते हैं जन्म जन्मांतर।
लिविंग एंटिटी जो लॉर्ड चैतन्य के दंड से प्रभावित नहीं होते हैं, वो यमराज के द्वारा दंडित होते हैं जन्म जन्मांतर। तो चैतन्य देव ने मायावादी को दंडित करते हैं और उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। जो लोग इस प्रकार के दंड से डरते नहीं है वो यमराज के द्वारा दंडित होते हैं। सारे जो डमी गाते तो भगवान के सेवक हैं, वो भगवान के टॉपिक को भगवान की हमेशा महिमा गाते रहते हैं, लेकिन जो जो इनका डिसरिस्पेक्ट करते हैं ब्राह्मणों को डमी गॉड का, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु में कभी आसक्त नहीं हो पाते, उनकी भक्ति नहीं मिलती। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है, अजय भाव अनंत कमल सरस माता सबार श्री मुखे निरंतर जार कथा है ना गौर चंद्र यश जार नहीं राती व्यर्थ तारा संन्यास वेदांत पाठे मात। संन्यास को स्वीकार करना और वेदों का अध्ययन करना लेकिन भगवान गौरचंद्र की महिमा के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं होना, ये सब उन गौरचंद्र के प्रति आसक्त नहीं होना, उनकी महिमा के प्रति आसक्त नहीं होना। जिन गौरचंद्र की महिमा ब्रह्मा शिव अनंत लक्ष्मी जी भी गाती हैं, ये उसके बिना सब यूजलेस है। है ना माते दुई प्रभु अपना आनंदे सुखे भाषी चली रहना जानवा तरंगे। इस प्रकार से दोनों भगवान जो है गंगा के प्रवाह में बहने लगे। महाप्रभु विशंबर करिए हुंकार मुनि से बोले बार बार। विशंबर महाप्रभु जोर जोर से गर्जना करने लगे और जोर जोर से बोलने लगे, मैं वही हूँ वही हूँ, मतलब मैं वही भगवान हूँ। मोहने अनिल नाडिया शयन भांगिया एकाने एक एकाने वखाने जान भक्ति लोकिया। नाडा जो है तो अद्वैत आचार्य उसने मेरा स्लीप को डिस्टर्ब किया और उसने मुझको यहाँ पे लाया। अब जो नाड़ा है अद्वैत आचार्य वो अब जो है वही नाड़ा, मतलब ये अद्वैत आचार्य के बारे में बोल रहे हैं, भक्ति को आच्छादित करके ज्ञान का प्रचार कर रहा है। तो अद्वैत आचार्य क्यों ज्ञान का प्रचार कर रहे थे कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु उनको डांटे और इस प्रकार से उनको चैतन्य महाप्रभु कृपा मिले। तारा षष्ठी करो ना जी देखा परत के मते देख के मते देखो का जी ज्ञान योग रखे। आज तुम देखना सब लोग कैसे मैं दंडित करता हूं उसे, कैसे ज्ञान को कैसे ज्ञान के बारे में बोल पाएगा, ज्ञान के सपोर्ट के बारे में बोल पाएगा। इस प्रकार से महाप्रभु आगे लीला करने वाले अभी दोनों नित्यानंद प्रभु महाप्रभु गंगा में तैर के फ्लोट करके कहाँ जा रहे हैं, अद्वैत आचार्य के घर में जा रहे हैं शांति पर। इस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीला है, अद्वैत आचार्य के घर में और भी लीला होगी। इसको आज हम यहीं पे विश्राम देते हैं क्योंकि समय हो गया है। इसके आगे का जो है तो हम कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।